आज हम विंड बॉल से इन स्विंग करेंगे, इन स्विंग राइट हैंडर के जो अंदर जाएगी ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की तरफ। अब ये बॉल स्विंग क्यों होती है ये सब बातें नहीं करनी मुझे, सीधे काम की बात ये करनी कैसे। अब विंड बॉल को स्विंग करवाने के लिए चार चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ग्रिप, बॉल की जो सीम है या मिडिल पार्ट है, लेग स्टंप की तरफ, लेग स्लिप की तरफ पॉइंट, और यूं ये हमारी सीम लेग स्लिप की तरफ और ये हमारी ग्रिप, ठीक है, हल्का सा गैप। अब कुछ लोग यूं भी करेंगे, कुछ यूं भी करेंगे, कुछ यूं भी करेंगे। क्रिकेट में ना सही गलत कुछ नहीं होता, जिससे आपका काम चल जाए वो सही। ये और ये, थंब नीचे की जगह थोड़ा सा साइड में, क्योंकि साइड बॉल हल्की है तो थोड़ा सा थंब से सपोर्ट मिल जाता है कंट्रोल करने में। ये फिंगर यहाँ पे, ये भी कंट्रोल करने में काम आएगी। ये हो गई हमारी ग्रिप, गैप पाम को टच नहीं कर रही बॉल, एक बार ग्रिप देख लें अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है रिलीज, बॉल आपके हाथ से यूं नहीं निकलनी चाहिए, यूं निकलनी चाहिए बैक स्पिन के साथ। देखो ऐसे नहीं फेंकनी है सीधे सीधे, और ऐसे फेंकनी है बैक स्पिन के साथ। ये बहुत जरूरी है, ये स्टेप के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रिलीज की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बॉल स्विंग तब होती है जब वो बैक स्पिन होते हुए हल्की सी टिल्ट पे यूं जाती है और वो फिर अपने आप ही उस तरफ निकल जाती है, ठीक है। इसके लिए हमने ग्रिप ये रखी अपनी, ठीक है, थंब यूं रखा। अब जब आप रिलीज करेंगे तो इंडेक्स फिंगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो उस शेप में लेके आएगी बॉल को जिस शेप में बॉल स्विंग करती है। अगर आपकी शेप यूं हो गई स्विंग नहीं होने वाली, यूं हो गई स्विंग नहीं होने वाली, यूं हो गई नहीं होगी स्विंग, शेप आपकी यही होनी चाहिए, और वो शेप आपकी स्पेशली इंडेक्स फिंगर से बनती है इस तरीके से, ठीक है। तीसरा रिस्ट, यूं करें रिस्ट स्ट्रेट की जगह हल्का सा यूं, ठीक है, यूं हल्का सा लेग स्टंप की तरफ। अब चौथा आर्म यहां से नहीं चलेगा, थोड़ा सा हाई आर्म चाहिए होगा इन स्विंग फेंकने के लिए। हाई आर्म जितना कान के पास उतना इन स्विंग ईजी, ठीक है, थोड़ा यूं, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। इन चार चीजों की आपने शादी करानी है और एक साथ करनी है चार चीजें। सीधे बॉल फेंकने मत लग जाना, पहले खड़े होके प्रैक्टिस करो, यूं पकड़ा यूं, पहले खड़े होके फेंको, फिर एक दो कदम लेके और उसके बाद रन अप लेके, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब मैं एक दो बॉल फेंक के दिखाता हूँ, स्लो मोशन में वीडियो चलाऊंगा ताकि शायद आपको रिस्क का आइडिया लग जाए, और लोग खा भी रहे तो संभल के।